एक तरफ देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं देश के हर गांव में बिजली पहुंच चुकी है, लेकिन आज़ादी के 70 साल बाद भी ग्राम ताड़ीधारा में 40 परिवार के लोग अंधेरे में जीवन जीने को मजबूर हैं। इनके क्या समस्या है? यहाँ बिजली के समस्या है। कब से नहीं है? यहाँ शुरू से नहीं है। के घर के बसे हो यहाँ पे? 50 घर के आदमी हैं वानी हैं। बहुत से बहुत दिक्कत दीदी, यहाँ अंधियारी में खाना बना थन सोए बसे के घला बहुत दिक्कत होता है। लैका छवन के परेशान बहुत से बहुत पड़ता है। यहाँ आप ढेंडू बीछी खेजरा सबके यहाँ डरहा हमला अंधारी में जी। हमारे यहाँ बहुत सारी समस्या है, जैसे कि अभी हम वर्तमान में बिजली नहीं। तो आप मन के गांव में बिजली नहीं है तो आप मन पढ़ाई कैसे करते हो? जी पढ़ाई के लिए कहीं और बाहर जाते हैं, लेकिन वहां से छुट्टी में आते हैं तब हमको रुकावट आ रही है पढ़ाई में। तो हम फिलहाल के लिए ऐसी 2-4 मिनट टार्च जलाकर हम पढ़ाई करते हैं, क्योंकि टार्च जलाकर पढ़ने में हमको इंटरेस्ट नहीं। बिजली मांग के लिए कोई अधिकारी के पास गए रहे हो? दीदी हमारे बैगा आदिवासी से ऐसे लोग हैं जो बिजली के लिए मांग नहीं किए हैं, इसलिए कि बड़े अधिकारी से डरते हैं। क्यों डरते हैं जी? कुछ बोले मत करके जी। हम सरकार से यही निवेदन करते हैं कि हमको जल्दी से बिजली दे दें, हम अच्छे नंबर से पास हो सकें, हम पढ़ाई में और अच्छा से इंटरेस्ट रख सकें और आगे बढ़ सकें। मैं वीडियो देखने वाले दर्शकों से अपील करती हूं, आप हमारे पंडरिया ब्लॉक के बिजली अधिकारी श्री समीर योगी जी को 8435500266 इस नंबर पे कॉल करके दबाव बनाइए, जिससे जल्द से जल्द ग्राम ताड़ीधारा में बिजली की व्यवस्था करवाएं। मैं दीना गणवीर, ग्राम ताड़ीधारा, ब्लॉक पंडरिया, जिला कवर्धा, छत्तीसगढ़, इंडिया, अनहट के लिए।